नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आप और हम उलझे हुए हैं पश्चिम बंगाल को लेकर। आप और हम उस राजनीति के भीतर फंसे हुए हैं जहां पर इस भारत देश के भीतर जाति जनगणना का सवाल हो, कास्ट सेंसस का सवाल हो। आप और हम उलझ गए थे सीधी भर्ती पर, प्रधानमंत्री को रोक लगानी पड़ी और सामाजिक न्याय का नारा इस देश में लगाना पड़ा। आप और हम उलझ गए हैं वक्त बोर्ड को लेकर के। हम और आप उलझ गए इस दौर में भारत देश के बेरोजगारी या फिर भारत देश के महंगाई नहीं, बल्कि ये कहे कि इस देश के शेयर मार्केट का जो खेल जो मचते रहा उसको लेकर के भी आप और हम दोनों उलझ गए। लेकिन इस दौर में यानी इस समय में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जब शपथ लिया तो उसके बाद इस भारत देश के भीतर में 2 लाख करोड़ का कौन सा प्रोजेक्ट आ गए, कहां कहां आ गए, किसको किसको मिल गया, वो पैसा कहां जाएगा, उस पैसे के भीतर किसका इन्वेस्टमेंट है, उस इन्वेस्टमेंट के भीतर किसका कितना कट है, कितना कमीशन है, आप कुछ भी नहीं आपको पता। और ये सारे सवाल आपके मन में होना चाहिए आज के दौर में कि बीते महज 100 दिनों के भीतर इस भारत देश के भीतर क्या वाकई सच में 2 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो लाए गए और जिस इन्वेस्टमेंट का जिक्र मौजूदा सरकार कर रही है वो इन्वेस्टमेंट कहां से आ रहा है, और जिन क्षेत्रों के भीतर 2 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट का जिक्र किया जाता है वहां पर वही कॉरपोरेट के साथी उसी क्षेत्र के भीतर बहुत तेजी से काम कर रही है। तो ये पूरा मामला है क्या आज, क्योंकि सामने एक बार फिर से चुनाव है और इस बार चुनाव को लेकर के कोई इलेक्ट्रल बॉन्ड का पैसा नहीं है। इस बार तो आपको बाजार से पैसा उठाना है और वह भी तब उस समय जब आप कमजोर हो चुके हैं, यानी ये कहे कि अल्पमत की सरकार बैसाखियों के आसरे दिल्ली के भीतर सरकार चल रही है तो ऐसे में कोई कॉरपोरेट घराना कितना पैसा देगा, वो यूं ही तो पैसा दे नहीं देगा। उसको चाहिए अलग अलग क्षेत्रों के भीतर जहां जहां पर वह काम कर रहा है वहां पर उसको प्रोजेक्ट का अलाउंस वहां पर सरकार करे। तो उस सरकार ने बीते करीब 3 महीनों के भीतर ये कहे कि महज 100 दिनों के भीतर 2 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट इस दौर में अनाउंस कर दिए। आज जब कैबिनेट की बैठक हुई थी इस देश के भीतर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के करीब करीब 28,000 करोड़ का और प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया गया। यानी ये कहे कि आज की बात करें या पहले की बात करें, उससे पहले 2-3 बातें आपके सामने बताना चाहता हूं कि दरअसल सामने जम्मू कश्मीर का चुनाव है, हरियाणा का विधानसभा चुनाव है, इस चुनाव के परिणाम आएंगे 4 अक्टूबर को और अगले दिन चुनाव आयोग को, महाराष्ट्र में चुनाव, झारखंड में चुनाव, यदि उसके अनुकूल लगेगा यानी दिल्ली की सत्ता को अनुकूल लगेगा कि दिल्ली के भीतर भी चुनाव हो जाने चाहिए तो हो सकता है कि महाराष्ट्र और झारखंड के साथ साथ दिल्ली का भी चुनाव हो जाए। लेकिन आप पैसों को लेकर के या फिर आप फंड को लेकर के या पॉलिटिकल मनी को लेकर के, राजनीतिक पैसों को लेकर के आप घूम के चलिए फिर से 5 साल पहले जब चुनाव हो रहे थे और देश में इलेक्ट्रल बॉन्ड चल रहा था। इस भारत देश के भीतर में इन चुनाव को लेकर के करीब करीब 275 करोड़ महाराष्ट्र हरियाणा और झारखंड के चुनाव से ठीक पहले ही आई थी। उस समय पैसा कौन दे गया था, उस समय तो इलेक्ट्रल बॉन्ड था, पहली खेप में 45 करोड़, दूसरी खेप में 232 करोड़ के आसपास, उसके बाद जब दिल्ली के विधानसभा चुनाव आए उसमें करीब करीब 81 करोड़ रुपये इलेक्ट्रल बॉन्ड से, पिछली बार 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। उसके बाद बिहार का विधानसभा चुनाव 2020 का आया तो फिर 282 करोड़ रुपये इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए आया। फिर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव जब हुए 2022 में तो उसमें करीब करीब 750 करोड़ रुपये आया इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए। तो ये साल दर साल का मामला है। तो ये पैसा चाहिए इस दौर में क्या, और पैसे के जरिए राजनीति इस देश में कैसे साधी जाती है, और जो पैसा देता है उसको लेकर के अगर पैसों की आदान प्रदान को लेकर के इस देश में कोई कानून ना हो तो फिर पैसा आएगा कैसे। तो ऐसे में इलेक्ट्रल बॉन्ड तो गैर कानूनी और संवैधानिक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ साहब ने करार दे दिया। अब जरा आप सोच के देखिए कि आप और हम इस देश के जिस राजनीति के भीतर उलझ गए हैं और इस भारत देश के मीडिया पत्रकार उसी को सुबह से लेकर के रात तक अपने टीवी चैनल टीवी स्क्रीन पे दिखा रहा है, लेकिन ये सवाल कोई नहीं पूछ रहा कि आखिरकार इस भारत देश के भीतर में मौजूदा सरकार इस दौर में किस गुप्तगू के तहत कौन से प्रोजेक्ट कैसे अनाउंस कर देती है। क्योंकि आज जब ऐलान किए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेकर के कैबिनेट की मीटिंग के बाद, और उसके बाद उसमें भी काफी महत्वपूर्ण बात है कि इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाने की बात है। इस देश में साल दर साल बीतते चले गए लेकिन एक भी स्मार्ट सिटी बन नहीं पाया। इस भारत देश के भीतर में ऐसा कोई भी एक शहर ऐसा नहीं है जहां पर बारिश का पानी, नाले का पानी, यानी स्मार्ट सिटी में पीने का पानी मुफ्त में मिलना चाहिए, वह भी स्मार्ट सिटी में नहीं मिलता। तो कोई भी ऐसा शहर आपको नहीं मिलेगा जहां पर इंटरनेट 5G की स्पीड से आपको सड़क पर भागता हुआ स्पीड में चलता हुआ दिखाई पड़ जाए। दिल्ली जैसी जगहों के ऊपर भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर
5G बहुत बेहतर काम करता है। लेकिन बहरहाल आज बात करते हैं उस पूंजीपति के ऊपर, उस पैसे के ऊपर, उस राजनीतिक फंडिंग पे, उस पॉलिटिकल फंडिंग पे जिसके आश्रय झारखंड के भीतर चंपई सोरेन के जरिए सेंधमारी कर दी गई। और ये माना जा रहा है कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव पे अभी भी पैनी नजर इस दौर में दिल्ली की मौजूदा सत्ता की है। पैसा उसके लिए भी चाहिए, महाराष्ट्र के लिए भी, और हरियाणा चुनाव के बीच में जब सीटों का ऐलान और उम्मीदवारों का, कैंडिडेट का जब लिस्ट जारी होगा राजनीतिक पार्टी के जरिए, तो फिर उसके समानांतर उसी जाति समुदाय के या फिर उससे निकले हुए तमाम नेताओं के पीछे कितनी बड़ी पैसे खर्च करनी है, वह खेल भी होना तो अभी बाकी है। तो देखते हैं, आज बात शुरुआत करते हैं इसी पूरे खेल को लेकर के। आज काफी रोमांचकारी खेल की पर्दाफाश करेंगे, क्योंकि कॉरपोरेट का इसके भीतर पैसा होता है, पॉलिटिकल फंडिंग नहीं होता है। इस भारत देश की बिल्डिंग बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए, यानी कि देश को मजबूत बनाने के लिए अलग अलग कंपनियां इस दौर में काम कर रही है। और आप और हम जितना भी अडानी, अंबानी, फलाना ढिकाना जिसको भी जानते हैं, उसके भीतर एक बात और आप समझ लीजिए कि इस दौर में, इस भारत देश के भीतर में जो कंपनियां, अडानी रोड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड जिस तेजी से काम कर रहा है और वह हर क्षेत्र के भीतर कैसे घुस चुकी है, इस भारत देश के भीतर में जो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर है वह किस तरीके से अभी 11 प्रोजेक्ट के ऊपर करीब करीब काम कर रहा है, करीब करीब 11,000-11,500 करोड़ रुपया उसके दायरे में। सवाल तो उससे भी आगे का है, क्या इस दौर में हम आप कहीं उलझे नहीं? इसीलिए जरा इस पूरी राजनीति की नस को आज समझने की, पकड़ने की जरूरत है। और शुरुआत आज लगता है कि अजनबी बैसनब जो रेलवे मिनिस्टर है, आज जो आज के कैबिनेट मीटिंग के बाद कह रहे थे कि कहां कहां पैसा, आज जो फैसला, आज जो निर्णय लिया गया उसमें कैसे पैसा लगाया जाएगा, कैसे खर्च किया जाएगा, उनको एक पल के लिए आप इसलिए भी सुन लीजिए क्योंकि देश के वो अकेले एक ऐसा मंत्री है जो रेल मंत्री है। और इस दौर में, उनके दौर में, इस तीसरे नरेंद्र मोदी के तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री के 22 ट्रेन तो घटनाग्रस्त हो गई, इसके बावजूद भी मुस्कुराते हुए, हंसते हुए अजनबी बैसनब उस प्रोजेक्ट की रकम बताते हैं और इस देश के विकास के चकाचौंध का एक ऐसा खेल नजारा देखिए। बहुत बड़ा मेजर एक फैसला लिया गया है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज, ये 12 नए इंडस्ट्रियल एरियाज कंबाइंड, इनमें इन्वेस्टमेंट सरकार की तरफ से आएगा 28,602 करोड़ का। और वंस दीज कॉरिडोर्स एंड नोड्स आर डेवलप, उसमें इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है 1.5 लाख करोड़। अब आपके मन में एक सवाल तो जरूर होना चाहिए कि आखिर सरकार जिस प्रोजेक्ट का ऐलान कर गई वो करीब 28,602 करोड़ का, जिसका जिक्र अजनबी बैसनब ने किया, रेलवे मिनिस्टर ने किया, वो प्रोजेक्ट मिलेगा किसको? और जिनको भी मिलेगा क्या वो इस क्षेत्र के माहिर खिलाड़ी होंगे, या फिर ये कह ले कि उस क्षेत्र के भीतर उनका योगदान क्या सच में बहुत बड़ा है, या फिर पूरा खेल मुनाफे और पैसे बनाने का तो नहीं है? इसीलिए आपके सामने शुरुआत में ही हमने आपको कहा, अडानी रोड ट्रांसपोर्ट एंड लिमिटेड और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस एक उनके साथ, उनके पास भी बहुत सारा प्रोजेक्ट होता है और ये नेशनल बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करते हैं इस देश में। और कहते हैं इस देश के भीतर जितने भी हाईवे बन रहे हैं, जो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, जो टनल्स बन रहे हैं, जो मेट्रो रेलवे हैं, वो रेल भी है, वो एयरपोर्ट भी है और पोर्ट भी है, इसके भीतर तमाम फील्ड के भीतर इनकी भागीदारी काफी जबरदस्त तरीके से। लेकिन एक सवाल यही पर होगा कि बीते करीब 3 महीनों के भीतर सरकार संभालने के बाद नरेंद्र मोदी ने ऐसा कौन सा काम किया जिसमें 2 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट आ भी गए और पता भी नहीं चला कि वो पैसा कहाँ गया, किसके पास गया, किस रूप में गया, क्यों गया? क्योंकि वो एयरपोर्ट के क्षेत्र में, पोर्ट के क्षेत्र में, ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में, ऑक्सफोर्ड एक विंड हाई स्पीड रोड के भी क्षेत्र में, रेलवेज के सेट में, मेट्रो के सेट में ये सारे प्रोजेक्ट लाए गए हैं। और इन तमाम प्रोजेक्ट्स की जब आपके सामने जिक्र कर रहे हैं जिन क्षेत्रों का, उन तमाम क्षेत्रों से संयोग से वही कॉरपोरेट सहयोगी मौजूदा दिल्ली की सत्ता के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि इस दौर में अपना नेटवर्थ इस देश के GDP से कहीं ज़्यादा तेजी से बढ़ाते जाते हैं। और इन सब के बीच एक नाम और जोड़ लीजिए, मंत्री महोदय पीयूष गोयल जी का। मंत्री महोदय पीयूष गोयल के दौर में हुआ कुछ नहीं था, दरअसल इस दौर में भारत का एक्सपोर्ट कम हो गया,
इंपोर्ट बढ़ गया था भारत का, एक्सपोर्ट कम हो गया। इस दौर में चीन के साथ जो व्यापारिक रिश्ते थे वह और तेजी से आगे बढ़ने लगे। यानी ये कहे कि करीब करीब इलेक्ट्रॉनिक का जो भी कंपोनेंट इस भारत देश के भीतर चाइना से आता था वो करीब लगातार इस दौर में बढ़ते चला गया। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा तेल आयात जो रशिया से कर रहा था उसी दिशा में सिर्फ उसको लाभ है, अन्यथा किसी भी क्षेत्र के भीतर कोई ऐसा काम कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कभी किया नहीं जिसमें इस देश के आम लोगों को राहत और रियायत महसूस हो सके। उनका नाम इसलिए भी लिए क्योंकि आज ये बात बताने सामने वो आ गए कि देखिए इस भारत देश के भीतर में नई नई टाउनशिप बन रही है साहब, और उस टाउनशिप बनाने के लिए जमीनें चाहिए। वो जमीन क्या गैर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के भीतर सरकार घुस सकती है क्या, ये मुश्किल है। तो ऐसे में चार राज्य आइडेंटिफाई किए गए, गुजरात भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एकनाथ शिंदे चेहरा दिखाने के लिए सामने महाराष्ट्र में, उनके पीछे भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, यानी पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खड़े हैं, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन चार राज्यों में चार जगहों पर टाउनशिप बनाने के लिए जो जमीन चाहिए वो करीब 3500 एकड़ जमीन चाहिए। और काफी बड़ी बात यह है इस दौर में कि सरकार जिस भी प्रोजेक्ट का ऐलान इस दौर में कर रही है उस प्रोजेक्ट के साथ आजकल रोजगार का जिक्र कर देते हैं कि देखिए इसमें करीब 10 लाख रोजगार मिलेगा, इसमें 15 लाख रोजगार मिलेगा, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के भीतर करीब करीब ये जो टाउनशिप बनाने के जो धंधे के है उस धंधे में भी कोई पुराने बिल्डर या पुराने रियल एस्टेट के कंपनी नहीं बल्कि वही कॉरपोरेट का योगदान है जो सत्ता के करीब है और इससे पहले इलेक्ट्रल बॉन्ड में जिसका योगदान अच्छा खासा रहा है। क्या कहते हैं पीयूष गोयल साहब, इसको भी तो देख लीजिए एक बार, इसके बाद इसकी भी परतों के पोल पट्टी खोलेंगे। पोटेंशियल 1,72,000 करोड़ का है, तो आप कल्पना करिए कितना कंजर्वेटिव एस्टिमेट लेके सरकार चल रही। स्वाभाविक है कुछ टाउनशिप में बड़ा निवेश आएगा, कुछ में शायद छोटा लघु उद्योग या छोटे यूनिट्स, लेबर इंटेंसिव यूनिट्स ज्यादा आएंगे। हर एक टाउनशिप की अपनी अपनी विशेषता होगी, लेकिन आप ये भी देखेंगे गुजरात में एक, महाराष्ट्र एक, यूपी और एक मध्य प्रदेश, तो एक बड़ा फेयर मिक्स है। दो एडवांस और इंडस्ट्रियल स्टेट्स, दो स्टेट्स हैं औद्योगिक विकास कम है, उसके बावजूद 3,500 एकड़ में 1,72,000 करोड़ निवेश कमिट हो चुका है और 80,000 डायरेक्ट जॉब्स कमिट। मजा ये है जब मंत्री महोदय ये बात जब कहते हैं तो थोड़ा बहुत नहीं लाखों करोड़ों का जिक्र करते हैं। इन्वेस्टमेंट कितना होगा वो भी लाखों करोड़ों में, जो टाउनशिप बनेगी उसमें इन्वेस्टमेंट के रास्ते कितने खुलने वाले हैं। इसका सरकार का कच्चा चिट्ठा ये कहता है कि करीब 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट आ चुके हैं कुछ इसी अंदाज में। इससे पहले असनबी वैष्णव भी एक जानकारी दिया, उन्होंने जो जानकारी दिया था वो तो इससे पहले चले आ रहे जो 100 दिनों के प्रोजेक्ट है उसके भीतर रेलवे के भीतर भी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी भी जानकारी दी कि वहां पर भी काफी जबरदस्त पैसा आ रहा है। सवाल इस दौर में साहब ये है कि इस भारत देश के भीतर आम लोगों को लाभ इसका क्यों नहीं मिल पा रहा, आम लोगों को फायदा क्यों नहीं पहुंच रहा है, और लोग इस दौर में इस सियासत को लेकर के क्यों हैरान परेशान है, और इस सियासत को जो पैसा अपनी अपनी सत्ता को बनाने के लिए, अपनी राजनीति को बनाने के लिए या फिर उसको बचाने के लिए जो पैसा चाहिए वो पैसा RBI के जरिए नोट छाप करके तो बना नहीं सकते। नोट छापने के बाद पैसा को कॉरपोरेट के हाथ में ही देना होगा और कॉरपोरेट उस पैसे को रिटर्न के तौर पर पॉलिटिकल फंडिंग के दिशा में ले जाता है, अन्यथा बाजार में सीधे पैसा आ गया तो फिर महंगाई और बढ़ गई, तो कॉरपोरेट को कहीं राहत रियायत दे करके ये सारा खेल चलता है। और इसीलिए यदि आज आप ध्यान दीजिएगा, यानी ये कहे कि करीब तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद 4 जून 2024 के बाद से जो अब तक का जो आंकड़ा सामने है उसमें करीब 2.5 लाख करोड़ के सारे प्रोजेक्ट को मिला दीजिएगा तो इन सारे प्रोजेक्टों का पैसा और इसमें इन्वेस्टमेंट और इस इन्वेस्टमेंट में कितना कॉरपोरेट की हिस्सेदारी है, सरकार का पैसा उसमें कितना लगा, उसमें राज्यों का पैसा कितना लगेगा, इन तमाम सारे बातों के आसपास में आप घूमर के रह जाइएगा। सवाल तो इतना है कि इस भारत देश के भीतर में आम जन लोगों के साथ मौजूदा सरकार की पॉलिसी और योजनाओं के सरोकार अगर मेल नहीं खा रही है, मैच नहीं खा रही है, 56 किलोमीटर के बीच में 2-3 जगह पर ट्रोल आ जाता है, सरकार चुप रहती है, वो बताती है कि ये होना नहीं चाहिए लेकिन हो गया तो क्या करें। यही वह परिस्थिति है जो राजनीति के दिशा में सरकार को ले जाती है। और ऐसे में चंपई सोरेन सरीखे आदिवासी नेताओं के पीछे भी कितनी बड़ी पूंजी लगा दी जाती है ये केवल
झारखंड के भीतर अभी जाकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के उस पुराने नेताओं से यदि आप बात करके देखें जो आदिवासी आंदोलन से निकले हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाया गया, जो शिबू सोरेन के साथ हुआ करते थे, चंपई सोरेन भी उनके साथ थे, बाबूलाल मरांडी झारखंड में जो भारतीय जनता पार्टी में आ गए, बीजेपी से एक समय निकले थे, उसके बाद अपनी पार्टी बना ली, लेकिन समझ गए लंबा उनकी पार्टी चल नहीं सकता, ये दौर कॉरपोरेट का है, ये दौर पैसों का है, तो फिर वापस भारतीय जनता पार्टी में उनकी वापसी हो गई। अब ऐसे में चंपे सोरेन भारतीय जनता पार्टी में आ गए, आदिवासी इलाके से चंपे सोरेन आते हैं, लेकिन संथाल परगना के इलाके में जो आदिवासी बहुल इलाका है वहां की परिस्थितियों को अगर आप परखना समझना शुरू करेंगे तो आपके मन में एक ही नाम बार बार आएगा, वो है गोंडा के भीतर मोतिया गांव के भीतर बना हुआ अडानी का पावर प्लांट जो कि बिजली बनाता है और बांग्लादेश को 100% बिजली सप्लाई करता है, पैसा कमाता है, उसको बनाने की दिशा में कोयला यहाँ से नहीं बल्कि वह भी बाहर दूसरे कंट्री से आता है, उसको बाहर से आने में भी कैसा खेल होता है, सारी चीजें इस देश के सामने है, कैसे ओवर बिलिंग होता है, इस देश में कैसे पैसा से पैसा बनाने का प्रक्रिया और पैसे के जरिए राजनीतिक फंडिंग का तरीका, यही कारण है कि जब आप दिल्ली से रांची लौटे चंपई सोरेन जो कि 30 तारीख को शामिल होंगे, लेकिन ये कहा जाता है कि आज रात तक वो इस बात का ऐलान भी कर चुके होंगे कि भारतीय जनता पार्टी को जेएमएम छोड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, छोड़ तो पहले दिया था जेएमएम को, लेकिन इसके पीछे वजह क्या है, और इतना सारा पैसा अगर वाकई पीछे चल रहा है जिसको हेमंत सोरेन कहने से घबरा नहीं रहे, कतरा नहीं रहे, अपने बैठकों के भीतर इस बात का जिक्र करते हैं कि अगर आपको भी कितने करोड़ चाहिए साहब, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, कितने करोड़ चाहिए, यदि ये पैसा मिल जाए तो फिर आप हमारे साथ क्यों यहां पर बैठेंगे। तो ऐसे में आपका योगदान सियासी तौर पर आदिवासियों को लेकर के है या नहीं है, लेकिन सियासी सत्ता को लेकर के राजनीतिक सत्ता को और राजनीतिक सत्ता के सरोकार यदि कॉर्पोरेट और उनके पूंजी से है, उनके पैसे से है, तो फिर एक ऐसी राजनीति इस भारत देश के भीतर में पनपता है जिसकी चाबी कॉर्पोरेट के पैसे के भीतर छुपा हुआ। और इसीलिए आज जब रांची पहुंचे चंपई सोरेन तो नजारा एक पल के लिए आप भी देख लीजिए, इससे पहले कितनी बार वो रांची लौटे होंगे, यहां तक कि चुनाव के समय जब वो जीते थे तब भी इतना शोर नहीं था चंपई सोरेन के पीछे, इतना हंगामा नहीं था, जो शोर नारे गूंज सब कुछ आज है, देख लीजिए एक पल। साहब सत्ता की ताकत यही होती है, आपके पीछे यदि सत्ता की पूंजी लगी हुई है, अगर पूंजी यदि कॉरपोरेट से जुड़ा हुआ हो तो फिर वही कॉरपोरेट अगर आपके क्षेत्र में अगर लूट मचा रहा हो, फिर उसी लूट के ऊपर यदि सरकारी नीतियों पॉलिसियों हो उसकी मुहर लगा हो, तो ऐसे में क्या चंपई सोरेन, क्या जेएमएम के मुखिया हेमंत सोरेन, क्या कुछ मायने रखता है इस दौर में, क्योंकि सियासी तौर पर जो पूंजी का प्रभाव इस दौर में जो चुनाव प्रचार के ऊपर छा चुका है उसमें पहली बार संकट सरकार के सामने ये आ चुका है कि आखिरकार पॉलिटिकल फंडिंग का रास्ता निकलेगा कैसे और कहां से, और ऐसे में इलेक्ट्रोल बॉन्ड को गैर कानूनी करार देने के बाद सरकार में इतनी हिम्मत आप जुटा ही नहीं पाती है कि वह किस रास्ते को खोले जिससे कि पॉलिटिकल फंडिंग का रास्ता उसके लिए साफ हो जाए, किसी भी योजना के दायरे में न फंसना पड़े और उन सारी योजनाओं को लेकर के मौजूदा समय में कोई सवाल ना पूछे कि इस योजना का कॉन्ट्रैक्ट किसको दे दिया गया, क्योंकि इस दौर में कोई भी सवाल पूछेगा कि जो 2.5 लाख करोड़ के जो इस समय जो फैसले सरकार महज 100 दिनों के भीतर जो फैसले लिए उसमें रेलवे से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट किसके पास गया, और आपको इस बात को जानकर के हैरानी नहीं होनी चाहिए कि इस दौर में रेलवे के क्षेत्र में ट्रैक या फिर रेलगाड़ी हो उससे जुड़ा हुआ मसला नहीं है, सवाल इस दौर में यह है कि इस समय में जो आपको ऑनलाइन टिकट बुकिंग करते हैं ना अपने मोबाइल फोन या प्लेटफॉर्म या ट्रेन ऐप का जिक्र होता है, उसमें भी एक कंपनी है स्टार्ट एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड करके, उसका भी एक बड़ा स्टिक अडानी के पास है। सवाल है साहब हर क्षेत्र के भीतर इस भारत देश के भीतर जो भी कंपनियां चल रही थी उसके साथ जुड़ा इस भारत देश के बड़े कॉरपोरेट की हिस्सेदारी है उसके भीतर, और वो जो भी प्रॉफिट वहां से निकलता है वो उनके पास पहुंचता है, और इस भारत देश में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किसी भी कंपनी को मिलता है उसकी साझेदार ये बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने होते हैं उसके भीतर। तो इन पूरे राजनीति इन पूरे सियासत में
झारखंड का क्षेत्र हो, ओडिशा का क्षेत्र हो, बिहार हो, बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, इन तमाम राज्यों के भीतर जब आप घूमना शुरू करेंगे तो आपके मन में सच में एक सवाल होगा, आखिर इन क्षेत्रों में जिन प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया गया उस प्रोजेक्ट्स की जितनी कीमत है उसका फ़ायदा देश की आम जनता को कितना मिला और कॉरपोरेट घराने को कितना मिला, उन कॉरपोरेट घराने ने किन माध्यमों से राजनीतिक फंडिंग किया हम नेताओं को, ये सारे सवाल चादर के नीचे ढक दिए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे आप सवाल करेंगे नहीं कि इस भारत देश के भीतर जो कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसको हम सब कहते हैं CSR का बजट, यानी ये कहे कि कॉरपोरेट की जो बजट इस भारत देश के सामाजिक कार्यों के भीतर लगने चाहिए, 2014 से लेकर के 2024 मौजूदा समय तक करीब करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए वो CSR का पैसा किन माध्यमों के जरिए कहां पर लगा, क्या इस बात की जानकारी है। ये भी काफी महत्वपूर्ण बात है कि RSS के तमाम प्रकल्प जो हैं उसमें पैसा मिलता है, लगता है उस CSR का पैसा, CSR का, यानी ये कह कि पूरी सियासत ढांचे के भीतर कॉरपोरेट की पूंजी कितनी मायने रखती है और उसी कॉरपोरेट के आश्रय इस भारत देश को चलाने का जो तौर तरीका अपनाया गया पॉलिसीगत तरीके से उसमें इस भारत देश की राजनीति केवल प्यादे से कहां पर। तो आने वाले समय में जो चंपई सोरेन को लेकर के झारखंड की राजनीति के भीतर जो झटका JMM को लगा और ऐसे में सवाल उठा कि आदिवासी नेता क्यों भारतीय जनता पार्टी के भीतर चला गया, ऐसा झटका हरियाणा के भीतर भी अगले 10-15 दिनों के भीतर आपको दिखाई दे सकता है और ये झटका आपको नए तरीके से नए कलेवर में नए तरीके से महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव का जैसे ऐलान होगा उस समय में आपको यह भी दिखाई देने लगेगा महाराष्ट्र के भीतर से भी। लेकिन अंत में एक सवाल तो ये है कि सारी बातों के लिए पैसा चाहिए क्योंकि पैसा इस भारत देश के भीतर में हर चीज का ईंधन बन चुका है और शायद इसीलिए आप और हम जब उलझे रहते हैं कि वक्त बोर्ड को लेकर के जो सरकार बिल ला रही है, ब्रॉडकास्ट बिल ला रही है, जो इस दौर में जो सोशल मीडिया को लेकर ब्रॉडकास्ट बिल उसके पे पीछे कदम कर ली, जो इस दौर में मौजूदा सरकार ने सीधी भर्ती जो लेटरल एंट्री के माध्यम से जो भर्ती हो रही थी उस पर रोक लगा दी, खुद प्रधानमंत्री ने सामाजिक न्याय की गीत गाना गाने लगे, यानी इस कहे कि इस समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन गए, पोलैंड गए, रशिया चले गए, इन तमाम सारे बातों से निकलते निकलते जो पश्चिम बंगाल के जो भीतर का जो सच है उसके भीतर भी ये पूरा समूचा देश उलझा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने भागीदारी अपनी निभा दी, कह दिया ऐसा नहीं होना चाहिए, राज्य सरकार कह रही है कि फांसी, दोनों कह रहे हैं फांसी दे दो, पूरे देश के स्वर तेज है, पूरे देश में सामाजिक दौर की जो परिस्थितियां और उसके जो उपहार है क्या उसके पीछे कोई राजनीतिक सोच इस भारत देश के भीतर चलती है, क्योंकि जिस देश को चलाने के लिए उस इकोनॉमी के साथ भागीदारी भारत की राजनीति जिस अंदाज में कर रही है और आपको और हमको ये बात पता ही नहीं होता कि करोड़ों के बजट के बारे न्यारे कैसे एक झटके में इस देश के भीतर हो गए और उन सारे पैसों का हिस्सा कहाँ किसके पास कितना गया, जब वो कुछ भी जानकारी नहीं है इस दौर में, तो जरा आप सोच के देखिए कि इस दौर में भारत देश के भीतर हर उठने वाले मुद्दे के आश्रय के तूफान के पीछे का जो बिजनेस मॉडल इस देश के भीतर चल रहा होता है उसको जरा कभी कभी समझने की जरूरत आप और हम दोनों कर ले, क्योंकि इस भारत देश का भीतर का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इन सारी बातों को दिखाएगा नहीं, जमाएगा नहीं, बताएगा नहीं, कुछ भी नहीं करेगा और सवाल वो पूछेगा नहीं सरकार से और सरकार सवालों से बहुत डरती है, इसीलिए वो बहुत ही सलीके तरीके से कॉरपोरेट के तरीके से बाकायदा प्रोजेक्ट करके ये बताती है कि देखिए ऐसे काम हो रहा है, इस बार जो प्रोजेक्ट रखे उसकी भी एक झलक देख लेनी चाहिए। ऐसे में पेपरों पे सरकार के सारे प्रोजेक्ट्स जो आपने देखा ये आज ये कैबिनेट के भीतर पास हुआ है, ये प्रोजेक्ट है, इसके दायरे में 10 राज्य शामिल होते हैं, 15 प्रोजेक्ट होता है जो पूरा का पूरा कॉरिडोर बनने वाला है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, और इस देश के भीतर क्या कुछ कमाल होने वाला है उस दिशा में मत ध्यान दीजिए, केवल इतना ध्यान दीजिए कि आखिर इसका ठेका, इसका ठेकेदार बनेगा कौन और जो ठेकेदार बनेगा जिसको ठेकेदारी मिलेगी क्या वो इस एवज में इस राजनीति को दान करेगा और वो राजनीति उस दान के जरिए कितने चंपई सोरेन या इस भारत देश के अलग अलग राज्यों के चुनावों के भीतर कैसे अपनी हिस्सेदारी भागीदारी को आगे बढ़ाएगी और आप और हम इसी के बीच उलझे रह जाएंगे और शोर हंगामे के बीच जो इस भारत देश की राजनीति से दूर बिजनेस मॉडल से अलग है और हम हमारी और आपकी भाव हमारी और आपकी भावनाओं से जुड़ी हुई है
क्योंकि आपको पता है कि इस देश के भीतर अपराध बढ़ रहा है, उसके ऊपर लगाम लगना चाहिए, लेकिन उसका भी कोई बिजनेस मॉडल इस दौर में चुप्पी के साथ, खामोशी के साथ, बंद कमरे के भीतर एक खेल खेला जा सकता है। ये पहली बार नजारा बीते 100 दिनों के भीतर आपके और हमारे सामने है। बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।